Welcome friends, today we will learn English grammatical rule for competitive exam. You know, for scoring well in competitive exam, you don't need to be master in English. You just need some basic rule and lot of practice. So guys, ये मैंने video series शुरू की है. आप इस video series को पूरा देख सकते हैं. आज मैंने first video बनाई है. आप इस video से फायदा उठा सकते हैं और upcoming videos देख सकते हैं. So guys, शुरू करते हैं. गाइज, मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार की है जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. इनका आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. सो आप अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चंस को और देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. सो गाइज, मैंने इंग्लिश को 3 बिल्डिंग ब्लॉक में बांटा है. सो ये वीडियो इंग्लिश के कुछ टर्म्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है जिससे कि आप बेसिक टर्म्स के बारे में पता चले कि कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, कैसे कैसे रूल्स लगते हैं, किस तरह से इंग्लिश की फॉर्मेशन होती है. सो गाइस, वीडियो आपको एक इंग्लिश का ओवरव्यू देगी जिससे कि आपको पता होगा. बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाए. देन मैंने कोशिश की है कि मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब. पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन आते हैं. जहाँ टेंस में पास, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तीन होते हैं, इतना तो आपको पता होगा आई थिंक. और वर्ब में इज़, एम, आर, डू, हैव, विल, कैन, कुड एक्सेट्रा आते हैं. सो गाइज, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहा हूँ. आपको सभी टर्म्स के बारे में ओवरव्यू देना है. सो ये वीडियो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देगी. नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको एक फुल डिटेल नाउन के बारे में वीडियो मिलेगी. आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं उसके बाद आपको एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जिससे कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप कितना जानते हैं. इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा. सो गाइज, एज यू नो, नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम होता है. जैसे राम, राम एक पर्सन का नाम है. दिल्ली एक प्लेस का नाम है. बुक एक थिंग का नाम है. सो गाइज, हर वो चीज़ नाउन है जिसका कोई ना कोई नाम होता है. बेसिकली नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान का नाम नाउन होता है. इसी तरह से प्रोनाउन, प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है रिपीटिशन को हटाने के लिए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन हमेशा रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा. जैसे एग्जांपल, मिस्टर शुक्ला प्लेज क्रिकेट. ही इज़ अ गुड प्लेयर. यहाँ पर ही इज़ यूज़ हुआ है, यहाँ पर ही यूज़ हुआ है. जबकि हम यहाँ पर अगर मिस्टर शुक्ला यूज़ करते तो तब भी ये सेंटेंस गलत नहीं होता, लेकिन रिपीटिशन हो जाता, नाउन का रिपीटिशन हो जाता. उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर ही यूज़ किया. सेंटेंस की ब्यूटी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ही यूज़ किया. मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि ही इज़ अ प्रोनाउन. इसी तरह से एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. जिस तरह से एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि नेहा इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पर ये गुड, ये एडजेक्टिव है. बेसिकली इस गुड ने इस गर्ल को क्वालिफाई किया है, उसके बारे में बताया है कि गर्ल गुड है. तो इस गुड ने इस गर्ल को क्वालिफाई किया है, उसकी विशेषता बताई है. तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. उसी तरह से हम वर्ब के बारे में बात करते हैं. वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. डूइंग वर्ड से मतलब आप इसको एक्शन भी बोल सकते हैं. जो भी एक्शन किसी भी कार्य के अंतर्गत होते हैं, किसी भी काम के अंतर्गत जो भी एक्शन होते हैं, हम उनको वर्ब बोलते हैं. इसमें ज़्यादा समझने के लिए है नहीं. वर्ब प्ले, रन, रीड, सिंग, डांस एक्सेट्रा होते हैं. उसी तरह से एडवर्ब, एडवर्ब इज़ एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब. एडजेक्टिव
एंड इट्स सेल्फ एडवर्ब. एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. जैसे यहाँ पर शी वर्क्स हार्ड, इस हार्ड ने इस वर्क को क्वालिफाई किया है तो ये हार्ड एडवर्ब है. उसी तरह से आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल ए एंड एन और द आर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जबकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है. प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड. प्रेपोजिशन किसी नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द से रिलेशन बताता है. इसके एग्जाम्पल बिफोर, फ्रॉम, सिंस, विद, बिटवीन एक्सेट्रा होते हैं. इन सभी के बारे में हम अभी डिटेल में भी देखेंगे. सभी की क्लास अलग अलग होंगी, सभी की अलग अलग वीडियो बनाई जाएंगी. सो आपके अगर ये वीडियो आप ना भी देखो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी पता होनी चाहिए जिससे कि आपको आगे वाली वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कंजंक्शन, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस. कंजंक्शन वह शब्द है जो ग्रुप ऑफ वर्ड को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. जैसे राम इज अ गुड बॉय एंड ही रेस्पेक्ट एवरीवन. सो यहाँ पर जो ये एंड है, इस एंड ने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है. सो एड कंजंक्शन किसी सेंटेंसेस को, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और वर्ड्स को कनेक्ट करता है. इसके एग्जांपल एंड, ईदर, नीदर, ईदर, बट, सो, एल्स एक्सेट्रा आर कंजंक्शन. इसी तरह से इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इंटरजेक्शन वह शब्द है जो किसी भी व्यक्ति की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, यानी सडन फीलिंग को बताता है. जैसे हुर्रा, हे, ग्रेट, ओ, ओप्स, आउच एक्सेट्रा. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.